जय माता दी। मैं सरोज, कुकी सरोज में आप सबका स्वागत है। कहिए कैसे हैं आप लोग, आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बर्गर बनाएंगे, क्रीमी बर्गर होगा और चीजी बर्गर होगा विथ लेट्यूस होगा। तो चलिए इसके लिए कहाँ चलेंगे वो आपको मालूम है, फिर से अपने किचन की तरफ चलिए बनाते हैं हम बर्गर की रेसिपी। यहाँ पे मैंने प्याज को छोटा छोटा काट लिया है और कैप्सिकम काट लिया है। इसको हम आलू में डाल देंगे, आलू मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, अब इसी में हम इसको मिला देंगे और साथ ही डाल देंगे धनिया पत्ता। अब आती है मसालों की बारी, इसमें डाल देंगे थोड़ा काला नमक, काले नमक के बाद जाएगा कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, उसके बाद जाएगा भुने हुए जीरे का पाउडर। यहाँ पे मैंने थोड़ा आरारोट पाउडर ले लिया है, इसको भी हम डाल देंगे इसमें और इसको मिक्स करके एक अच्छा सा हम डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए मैंने थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स डाल दिया, मुझे पहले ही डालना था तो इसलिए अब हम इसी टाइम पे डाल लेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम एक अच्छा सा डो बना लेंगे। साथ में ही मैंने यहाँ पे पैन में तेल भी डाल दिया है ताकि धीमी आंच पे हमारा तेल भी गर्म होता रहे। और इस तरीके से देखिए हम डो बना लेंगे, हाथ पे हल्का सा हम तेल लगा के और इसको टिक्की की शेप दे देंगे। अगर आपको कोई ड्राई फ्रूट डालना है टिक्की के अंदर, कोई किशमिश या काजू बादाम कुछ भी डालना है, तो आप इसके जो हम ये गोल बना रहे हैं इसका टिक्की का शेप इसके अंदर एक आप कोई भी ड्राई फ्रूट रख के उसके बाद टिक्की की शेप दे सकते हैं। और ये देखिए टिक्की की शेप इस तरीके से हमने दे दी है, छोटी बड़ी जैसी आपको बनानी है आप इसी साइज की टिक्कियाँ लेके और यहाँ पे हम इसको शैलो फ्राई करने के लिए रख देंगे। देखिए इस तरीके से सारी टिक्कियों को बना के हम सिम हमारी लो ही रहेगी, अगर तेज कर देंगे तो ऊपर से तो ये आपकी टिक्कियां बन जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी, इसलिए इसको सिम इसकी लो ही रखेंगे। धीमी धीमी आंच पर करारी करारी टिक्कियां बहुत अच्छी बनेंगी। देखिए इसी तरीके से और टिक्की बना के रख लेंगे और अलट पलट करके तरीके से हम सभी टिक्कियों को सेक लेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है बर्गर, बर्गर को हम इस तरीके से बीच में से कट कर लेंगे। अब इनको भी थोड़ा सा मैंने पैन में इस तरीके से सेक लिया, थोड़ा सा घी या मक्खन कुछ भी डाल के आप उसको अच्छे तरीके से सेक लिया। मैंने इसमें जो थोड़ा सा तेल बचा था उसी में ही इसको मैंने सेक लिया। आपको अगर बटर से अच्छा लगता है तो आप बटर लगा के इसको सेक लेंगे। चलिए इस तरीके से हमने सारे बर्गर को सेक लिया है। चलिए अब हम रेडी करेंगे अपने बर्गर। ये देखिए यहाँ पे मैंने मेयोनीज लगाई है, प्लेन मेयोनीज है ये, सब बर्गर में लगा के इसको हम चाकू से इस तरीके से लगा देंगे। देखिए इस तरीके से सारे बर्गर में हम मेयोनीज लगा देंगे। आपको और भी जो मेयोनीज अच्छी लगती है आप अपनी पसंद की लगा सकते हैं। अब यहाँ पे रख देंगे हम टिक्कियाँ। देखिए मैंने जितना बड़ा बर्गर था उसी साइज की मैंने टिक्कियाँ बनाई है। देखिए चलिए टिक्कियाँ तो हमने रख दी हैं। अब यहाँ पे हम टमाटो केचप ले लेंगे, उसे भी लगा देंगे इस पर। अब यहाँ पे हम रख देंगे सैलेड, आपको और भी जो अच्छा लगता है, अगर चुकंदर वगैरह अच्छा लगता है आप वो भी काट लीजिए। मैंने यहाँ पे खीरा टमाटर और प्याज लिया है। प्याज को देखिए इस तरीके से मैंने इसके छल्ले टाइप से बना दिए हैं ताकि थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे। ये देखिए इस तरीके से डिजाइन सा बना दिया मैंने, देख रहे हैं ना आप डिजाइन। चलिए आती है टमाटर की बारी, टमाटर भी यहाँ पे लगा देंगे। आप चाहे तो इसमें
पनीर के पीस भी रख सकते हैं उनको पतला पतला काट के, और उनको भी रख सकते हैं। चलिए बर्गर का जो दूसरा पार्ट है वहाँ पे मैंने तंदूरी मेयोनीज लगा दी है। इसी तरीके से सारी मेयोनीज इस पे बर्गर के जो ऊपर का दूसरा पार्ट है उसमें हम और मेयोनीज लगा देंगे। इसी तरीके से सब इस पार्टों पे हमने मेयोनीज लगा दी है तंदूरी। अब इनके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रे कर रही हूँ। आपको अच्छा लगता है तो डाल लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम चीज डाल रहे हैं, चीज के स्लाइस उनको रख देंगे। अब यहाँ पे हम लेटिस के पत्ते रख देंगे। देखिए इस तरीके से हमने लेटिस का एक पत्ता आता है जो सैलेड के लिए ही इस्तेमाल होता है। अब इसके ऊपर हम इसका बर्गर का दूसरा पार्ट इसके ऊपर रख देंगे। चलिए अच्छे से हमारे बर्गर बनके तैयार हैं खाने के लिए। देखा आपने कितने अच्छे तरीके से हमने ये बर्गर को तैयार कर लिया और बच्चे भी बड़ा खुश हो के खा रहे थे और कितने आराम से, ज्यादा सामान भी नहीं लगा और चीज भी अच्छी बन गई। बस इसी तरीके से आप इस रेसिपी को फॉलो करिए, बनाइए, खाइए, खिलाइए और खुश रहिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और एफबी को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी अगली रेसिपी सबसे पहले मिले। चलती हूँ, आऊंगी फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय माता दी।